इस समय देश में राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जातिगत टिप्पणी की। ये तक राहुल ने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी जाति के नहीं थे। इसे लेकर भाजपा के नेताओं ने घेराव करते हुए प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर राहुल गांधी का पुतला फूंका है। भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंककर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। भाजपा नेता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई जातिगत टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी वोटों के लिए जातिवाद की राजनीति करते हैं। भाजपा पार्टी देश की एक पार्टी है जो परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा नहीं देती है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से कल देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए ओबीसी होने पर के इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की है, उस पर उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और देश के लोकप्रिय नेता, हम लोगों के नेता है आदरणीय मोदी जी, और मोदी जी के लिए जब कोई बोलता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, पूरा देश उबाल मारता है। और मोदी जी के लिए अभद्र टिप्पणी, पूरे देश का जो ओबीसी समाज है कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। वो भी सबसे राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समाज को अपमानित किया है, उसके लिए उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वरना जिस तरीके से वो रायबरेली से चुनाव हार करके वायनाड से जीते थे, इस बार सोनिया गांधी भी रायबरेली से चुनाव जीत नहीं पाएंगी। इनकी जमानत जब्त हो गई है, उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं मिलने वाली, उनको पूरे देश में एक सीट नहीं मिलेगी। हाँ, आज हम लोगों ने सुभाष चौराहे के ऐतिहासिक चौराहे पर पुतला फूंकने का काम किया और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए।